इमरान खान की रैली में हुई फायरिंग, पूर्व पाकिस्तानी पीएम समेत 5 लोग घायल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अपनी रैली में हुई फायरिंग में घायल हो गए हैं। इमरान खान के घायल होने की खबर आ रही है। इमरान खान प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से ही लगातार सरकार के साथ मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले दिनों सेना के उच्च अधिकारियों को लेकर भी उनकी तरफ से बयानबाजी हुई थी। इसके बाद उन्हें सफाई भी देनी पड़ी थी। फायरिंग में 5 लोग घायल होने की खबर है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गुजरावाला में हुए हमले में घायल हुए, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनकी दाएं पैर पर पट्टी बंधी देखी गई, जब उन्हें एक SUV पर ले जाया जा रहा था। गोलीबारी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने इमरान खान पर तब गोली चलाई जब पूर्व क्रिकेटर अपनी शाहबाज सरकार के खिलाफ आजादी मार्च के हिस्से के दौरान अपने ट्रैक पर खड़े हुए थे। ये घटना 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर हुए हमले की याद दिलाती है, जब उनकी एक रैली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि एजेंसियों के अनुसार इमरान खान को गंभीर चोट नहीं आई। जियो न्यूज के अनुसार जैसे ही इमरान खान की रैली में गोलीबारी की आवाज आई, वैसे ही अल्लाहवाला चौक पर उनके स्वागत के लिए लगाए गए कैंप में हड़कंप मच गया। अप्रैल में कथित तौर पर सेना का विश्वास खोने के बाद इमरान को पद छोड़ना पड़ा था। पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ PTI के 70 वर्षीय प्रमुख खान अलग अलग जगहों पर हकीकी आजादी मार्च करते हुए अपने विरोधियों पर कथित भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साध रहे थे। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। पत्रकार शोभना यादव ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की कोशिश, इमरान समेत कई लोग घायल। फोटो में सेनेटर फैसल जावेद खान, पाकिस्तान की राजनीति में हिंसक उथल पुथल शायद कभी शांत नहीं होगी। न्यूज एंकर शिवांगी ठाकुर ने ट्वीट किया, पाकिस्तान में इमरान खान की आजादी मार्च रैली में हुई फायरिंग, जिसमें इमरान खान को पैर में गोली लगी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत और 5 घायल हुए। इमरान खान फिलहाल अस्पताल में है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बयान जारी कर इमरान खान ने कहा, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी। तो अजमल शफीक नाम के शख्स ने लिखा, अगर इमरान खान में थोड़ी भी समझदारी है तो उसे पाकिस्तान छोड़कर भाग जाना चाहिए। अपने बच्चों को इंग्लैंड में ही पाल ले, वरना वक्त कभी भी खराब आ सकता है। तो पत्रकार उमा शंकर सिंह ने लिखा, पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के पैर में गोली लगी, उनको लाहौर शिफ्ट किया गया। गुजरावाला में हकीकी आजाद मार्च पर गोलीबारी हुई है। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहें।